होगा तभी खेती हम कर पाएंगे, उन पे बात नहीं करेंगे। पूरे कोरोना काल में स्कूल कॉलेज सब बंद, फीस सब चली गई, पता नहीं आप लोग क्या फीस गई कि नहीं गई। जब स्कूल बंद है, बहुत से नौजवानों के रोजगार छूट गए प्राइवेट सेक्टर में से, लेकिन स्कूलों की फीस जाती रही। हम लोग ने सदन में योगी बाबा से कहा कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई, कम से कम स्कूल की फीस आधी करवा दो आप। बाबा घूम के चलने लगे, कहने लगे स्कूलों की बिल्डिंग है, किस्तें जाती है, लोन है, यू है। तब हम लोग ने पीछे से कहा योगी बाबा का तो परिवार ही नहीं है, क्या जाने परिवार का दर्द। ये है, हमें इन लोगों से भी लड़ना है। चुनाव होगा तो मुझे पता है कि आप लोग सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। इस बार लगाए जा रहे हैं आपके अपने मतलब पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय अब तो जो है आप देख रहे हैं, जो सरकार को काम करना चाहिए वो सरकार काम नहीं कर रही। जनता को क्या क्या जो है सुविधाएं दें, जनता को महंगाई से कैसे बाहर निकालें, किसान की लागत कैसे दें, लेकिन सरकार इस पे जो है बात नहीं कर रही है। सरकार हमेशा फिजूल की बात करती है। आप देखो किस तरह जो है बिजली के दाम बढ़ गए, अरहर की दाल के दाम बढ़ गए, कड़वा तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का, पेट्रोल का, सब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। सब्जियां कितनी महंगी हैं, अभी एक साहब कह रहे थे 80 रुपए की गोभी है, कैसे बनेगी घर में, इतना बड़ा परिवार है। इस पे काम नहीं कर रही सरकार, केवल ये हम लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जान गई है, और किसान हमारे जिस तरह 10-12 महीने से आंदोलन कर रहे थे, कितने किसान मर गए, एक बार भी मोदी जी और योगी जी ने किसान शब्द अपने जुबान से नहीं लिया। हमें परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी घोषणा करी कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके हर परिवार को सरकार आने पे हम 25 लाख रुपए उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह जो है हम समाजवादी लोग लगे हैं, जनता के बीच में लगे हैं, और जनता का विश्वास है, और जनता कह रही है कि 2022 में कृष्णा कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे होने जा रहा है। यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? आप तो देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारी सरकार ने उस समय कि जब तक के हम रोजगार ना दे पाए तब तक के कम से कम हम लोग बेरोजगार भत्ता देते थे, आपने खुद ही देखा। इस सरकार ने बेरोजगार भत्ता खत्म कर दिया, हम लोग ने कन्या विद्याधन दिया, हम लोग ने समाजवादी पेंशन दी, लगातार उन्होंने जो आईटी वहाँ पे लखनऊ में हब बना, रोजगार के लिए कौन से ये चीज़ें करनी है, मंडियों की स्थापना हुई, लगातार वो बढ़ा रहे थे उस चीज़ को। लेकिन ये रोजगार नहीं, केवल ये धर्म पे बात करते हैं, 5 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल धर्म जात और नफरत के अलावा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने जो बोला है वो एक पिछड़ी गरीब जात की महिला पूलन देवी थी, जिनके साथ जो है ऐसी घटना हुई कि 22 लोगों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया, फिर बाद में कहीं ना कहीं गलत होता है, कहीं ना कहीं घटना हुई, बाद में उसी जनता ने उनको जो है एमपी बनाया, सांसद बनाया। ऐसा अगर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनको एक महिला की इज्जत करनी चाहिए, खास तौर से जो कमज़ोर वर्ग है पिछड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के लोग हैं, गरीब कमज़ोर और पिछड़े दलितों का सम्मान नहीं करते, क्योंकि ये बड़े लोगों की पार्टी है। मंत्री